अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? तो जी जनाब, मेरी अलहमदिल्ला काफ़ी हो चुकी है तैयारी रमज़ान की। बस ये समोसे रह गए थे, सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। अच्छा, मैंने चिकन का कीमा लिया था और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन डाल के मैंने रख दिया। और इसके साथ अब मैंने स्पाइस डाल दिए थे, नमक मैंने डाला है इसपे जायका, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है और मैंने इसके अंदर 1-2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, क्योंकि हम थोड़े से इसको तीखे खाते हैं, ज़रा स्पाइसी किस्म के, तो इसलिए मैंने थोड़ी रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाला है। और इसके अंदर मैं जो डाल रही हूँ, अब मैंने 2 अदद इसमें हरी मिर्चें ली थी, धनिया लिया था तकरीबन मैंने 1/2 बंच से कम, और 1 अदद मैंने प्याज लेके उसको चॉप्ड करके, और जो चॉपर मैंने लिया था वो ऑलरेडी मैं उसको चैनल पे पहले उसकी प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से उसमें मैंने चॉप कर लिया था और चॉप करके इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और इस बात का ध्यान रखना कि पानी बिल्कुल ना, कीमे में पानी बिल्कुल ना हो, चाहे वो मटन का हो चाहे वो चिकन का हो। अच्छा, ऊपर से मैंने थोड़े से ना चॉप करके प्याज ऐड किए हैं, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बड़े क्रंची क्रंची से बनते हैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से आने दें, ठंडा होने दें, और मेरा ठंडा हो चुका है और अब मैं समोसे बनाने के लगी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आज हो जाएंगे। और अच्छा, मैं यहाँ पे ना जो रोल या समोसों को ना अंडे की एग वाइट से बंद करती हूँ, कुछ लोग आटे की लई या मैदे की लई से करते हैं, मैं नहीं करती, और साइड्स के जो इसके एजेस होते हैं ना वो मैं कट कर देती हूँ। तो बस इस तरह मैं बनाती जाऊंगी, रखती जाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो समोसे मेरे रेडी काफ़ी हद तक बन चुके हैं और रेडी हो चुके हैं, अब इनको मैं फ्रीज के लिए रखने जा रही हूँ। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ ना, वो मैं बना रही हूँ बेसन, यानी बेसन का मिक्सचर बना रही हूँ। अच्छा, एक जार में मैंने बेसन डाल लिया, नमक इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला था, और 1 टेबल स्पून मैंने भिसा हुआ ज़ीरा डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा भी डाला हुआ जो भुना हुआ था मेरा, और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख लूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप निकालेंगे और अपने जो आपने वेजिटेबल्स डालनी है ना इसके अंदर, पकौड़ों के अंदर, तो वो आप डाल लेंगे। ये जार बना के मैं रख लेती हूँ, बड़े आराम से 8 से 10 रोज़े मेरे गुजर जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही गुजर जाते हैं। तो अब ये कुछ समोसे मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि पता चल जाए कि स्पाइस ठीक है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।